नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। वेब वार्ता में आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पर। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, मोदी सरकार के 3 साल क्या जनभावनाओं के अनुरूप हैं? देखिए, जनभावनाओं की जहां तक बात है, इस देश में अपेक्षाओं का पहाड़, उम्मीदों का पहाड़, हसरतों का पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और उस हिमालय पर चढ़ने में, उसके शीर्ष तक पहुंचने में किसी भी सरकार को बहुत वक्त लगेगा। 3 साल उसके लिए छोटा समय है, लेकिन हम कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार ने प्रतीकों को छूने की, भावनाओं को अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसमें प्रतीक ज्यादा है और ठोस उपलब्धियां निश्चित तौर पर केवल 3 साल में नहीं आ सकती। लेकिन 26 मई 2014 से लेकर अभी तक का सफर निश्चित तौर पर कोशिश रही है कि जन भावनाओं के साथ चलने की जो उन्होंने एक तैयारी दिखाई थी उस पर आगे बढ़े। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर नहीं लगा है, लेकिन सारी जन भावनाओं को पूरा करना 3 साल कम समय है और ये आने वाले 2 साल मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस सरकार की उपलब्धियों को जांचने के लिए। ऐसे कौन से काम है सरकार के जिनका उल्लेख आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने अपने कामकाज में जो कसावट लाई है, लगातार उन्होंने जो कोशिश की है कि अफसरशाही और नौकरशाही में जो ढीलापन था उसको ठीक करें, मंत्रियों की दफ्तरों में जो उपलब्धता उन्होंने सुनिश्चित की है, केंद्र के मंत्रियों को जिस तरह के दबाव में हम देखते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस का प्रेशर है, उनको लगातार अपने विभाग के काम में जुटे रहना होता है, उनको सुबह जल्दी 9 बजे के आसपास दफ्तर में उपलब्ध होना होता है, बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में जाने की बजाय अपने विभाग के कार्यक्रमों पर उनको ध्यान देना होता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, यही वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसकी कमी थी और जिसको लेकर हमें लगता था कि नेता बन जाना बड़ा आसान काम है, अफसर काम करते रहेंगे और नेता अपने फीते काटने में लगे रहेंगे। वो जवाबदेही अगर ये सरकार केवल प्रतीक के स्तर पर भी ला पाई है तो वो बड़ी बात है। इसके अलावा जो सरकार ने कोशिश की है, नोटबंदी का एक बड़ा दुस्साहसी कदम उठाया, नोटबंदी के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं और नकारात्मक बातें भी हैं। नोटबंदी निश्चित तौर पर बड़ा साहसिक कदम था, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया उस तरीके को लेकर सवाल हैं, संशय हैं और वो आज भी बने हुए हैं और वो बने रहेंगे। नोटबंदी को लेकर इस सरकार से 3 साल होने के बाद सबसे पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। नोटबंदी से पहले, नोटबंदी के कुछ दिनों बाद तक सरकार लगातार आंकड़े गिनाती रही कि इतना काला धन है, इतना जमा होगा, इतना नुकसान होगा, आतंकवादियों का इतना नुकसान होगा, इतने लाख करोड़ का हमारे पास कैश था और इतना वापिस आ गया, लेकिन वो सब आंकड़े बाद में दबा दिए गए, छुपा दिए गए। अगर वो किसी ठोस कारण से किए गए हों जिससे राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती हो तो अलग बात है, नहीं तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 2 और बड़े मोर्चे हैं जहां पर सरकार विफल रही है। सबसे पहला मोर्चा तो कश्मीर का है, कश्मीर के मोर्चे पर जहां पर सरकार खुद भागीदार है वहां पर राज्य की सरकार में पीडीपी के साथ, उसके बावजूद कश्मीर के हालात पिछले 1.5 दशक में सबसे बदतर हो गए हैं। लगभग 90 के दशक में जो स्थिति वहां की थी उस स्थिति में हम पहुंच गए, लगातार पत्थरबाजी, आतंकवादी हमले, सेना के कैंपों पर हमले, तो ये दिक्कत वाली बात है। पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ संबंधों की शुरुआत अच्छी हुई, यही 26 मई जिस दिन हम बात कर रहे हैं, 26 मई को हमने देखा कि सार्क देशों के लोगों को बुलाया और मियां नवाज शरीफ भी आए, फिर 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर अचानक प्रधानमंत्री हमारे वहां पहुंच गए, शॉल साड़ी का आदान प्रदान हुआ और हमें लगा कि एक नई इबारत लिखी जा रही है भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर। लेकिन अभी जिस तरह की कड़वाहट है, सीमा पर जिस तरह का तनाव है, जिस तरह के आतंकवादी हमले और घुसपैठ पाकिस्तान ने की है, जिस तरीके से हमारे जवानों के सिर काटे गए, स्थितियां फिर से बहुत खराब है। एक ठीक बात यह जरूर है कि भारत ने बहुत तलखी के साथ जवाब दिया है और केवल बयानों के जरिए नहीं दिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई और देश ने निश्चित तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक को सराहा। लेकिन यहां पर एक पत्रकार के नाते ये उल्लेखनीय है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले होती रही है, उनका पैमाना जरूर छोटा था, लेकिन जिस तरीके से माहौल देश में बन गया था उस सर्जिकल स्ट्राइक को प्रचारित करना जरूरी था। और जैसा कि हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे ही देश में सबूत मांगे गए, तो इस बार जब नौशेरा में पाकिस्तान की चौकियों को हमने ध्वस्त किया है तो सेना ने बाकायदा प्रमाण भी जुटा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सेना को सबूत देने पड़ते हैं, लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि पाकिस्तान भी मुकर जाता है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने जिस तरीके जवाब पाकिस्तान को दिए हैं वो जरूर बेहतर है और इससे कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को समझ में आएगा कि ऐसी कोई दब्बू सरकार नहीं है जो केवल बयानवीर हो, घोषणावीर हो, लेकिन इससे आगे भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने की दिशा में और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान को यह समझाना होगा कि इसी रीति नीति से वो आगे नहीं बढ़ा सकता हमारे संबंधों को। रोजगार का जरूर एक अहम मोर्चा है,
जहां पर इस सरकार को और भी कदम उठाने चाहिए थे। नए रोजगारों का निर्माण एक बड़ी चुनौती है और देश में इतनी बड़ी युवा आबादी है, इस देश के जो 56% से अधिक आबादी युवा आबादी है, और उस युवा आबादी को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो, इसकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। और जिस तेजी से नए रोजगारों का सृजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस सरकार ने कोशिश की है कि भ्रष्टाचार पर, काले धन पर प्रहार हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर असहिष्णुता की, गाय गोमांस की बात ज्यादा हुई, वो गलत है। जदीप जी, सरकार बनने के बाद एक बात कही गई थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, इस पर सरकार कितना खरा उतरी है? ये प्रश्न उठते रहे। सबका साथ सबका विकास में सबसे बड़ा सवाल यह था कि चूंकि हिंदूवादी नीतियां सरकार अपनाती है, संघ के साथ जोड़ा जाता है, संघ उसके पीछे बड़ी ताकत के रूप में है, खुद प्रधानमंत्री संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इसीलिए ये सवाल ज्यादा उठे थे। उन्होंने ये बातें उत्तर प्रदेश में भी कही, हालांकि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी महाजीत मिली है उसमें एक भी मुस्लिम उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी, और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बनाए जो कि लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर और कट्टरवाद को लेकर बयान देते रहे, लेकिन अच्छी बात यह कि उन्होंने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं सहारनपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है, वहां पर हिंदू और दलितों के बीच में एक वर्ग संघर्ष दिखाई दे रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष था जिससे देश वैसे ही निपट नहीं पा रहा, और एक नया वर्ग संघर्ष जो नया तो नहीं है लेकिन जिस तरह का रूप उसने अभी धारण कर लिया है, ये विफलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती है और केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती है। और जिस तरीके का एक दहशत का माहौल गौवंश को लेकर, गौ हत्या को लेकर बनाया गया, वो भी निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास वाले नारे को कमजोर करता है। और जिस तरीके की अगर किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना इस देश के किसी समुदाय में है तो गलत है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से 3 तलाक के मुद्दे पर ये सरकार मुखर हुई है, 3 तलाक के मुद्दे पर तो मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सरकार का समर्थन किया है, और मुस्लिम महिलाओं की ये एक बड़ी परेशानी थी जिसको आवाज देने की कोशिश इस सरकार ने की है, और ये सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, मैं मानता हूं इनका धर्म से संबंध कम है, इसको धर्म की आड़ जरूर दी जाती है, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में बाल विवाह और विधवा विवाह और दूसरी अन्य कुरीतियों के खिलाफ समाज के भीतर से लड़ाई लड़ी गई, मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम समुदाय को भी इस लड़ाई को अपने भीतर लड़ना होगा, और वो नहीं लड़ रहे हैं और सरकार उसमें आगे आ रही है और जो पीड़ित महिलाएं उनकी आवाज बन रही है, तो निश्चित ही ये सरकार की भी बड़ी उपलब्धि और इस दिशा में अधिक काम होना चाहिए। जदीप जी, सरकार के 3 साल के कार्यकाल का आकलन करें तो 2019 में चुनावी परिदृश्य क्या हो सकता है? जहां तक राजनीति की बात है, देखिए सरकार की उपलब्धियां अपनी जगह है, उनकी कमजोरियां अपनी जगह है, सरकार बहुत कुछ और करना चाहती थी, बहुत बड़े बड़े दावे थे, सारा कालाधन वापिस आ जाएगा वो भी दावे थे, और देश अचानक बहुत शक्तिशाली बनेगा, दुनिया में उसका डंका पीटेगा, चीन से हम संबंध अच्छे बना लेंगे, वो भी नहीं हुआ, ये सब कमजोरियां अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केवल सरकार की राजनीतिक सफलता की बात करें और 2019 की संभावनाओं की बात करें तो संभावनाएं अभी भी इस सरकार के लिए चमकीली नजर आती है, वो इसलिए कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। हमने देखा कि शुरुआत में जरूर दिल्ली में और बिहार में राज्य सरकारों के विधानसभा के चुनाव में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद केंद्र के स्तर पर कोई बड़ी चुनौती इस वक्त नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस, जिसको मुख्य विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, 44-45 सीटों के बाद वो कमजोर है, राहुल गांधी के रूप में एक कमजोर नेतृत्व उसके पास है, राहुल गांधी कांग्रेस का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे तो समूचे विपक्ष की आवाज बनना तो मुश्किल है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में जिस तरह की संभावनाएं देखी जा रही थी वो कमजोर पड़ी हैं। नीतीश कुमार तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह के समीकरण है हो सकता है वापस से एनडीए के पाले में खड़े हुए नजर आए, ये भी एक संभावना है, तो अकेली ममता बनर्जी विपक्ष की आवाज बन नहीं सकती। एक संभावना अरविंद केजरीवाल में ढूंढी गई थी, वो खुद अपनी पार्टी की समस्याओं से और दिल्ली सरकार की समस्याओं से अपने पार्टी के भीतर से होने वाले विद्रोह में इतने उलझे हुए हैं कि वो भी अब विपक्ष की आवाज नहीं बन सकते, तो विपक्ष के रूप में केंद्र सरकार को समूची चुनौती मिल सके 2019 में, ये बहुत ही अभी तो इतने 1.5-2 साल के समय में लगता नहीं कि हो पाएगा, इसीलिए 2019 की चुनावी संभावना इस सरकार की बेहतर है, इसकी वापसी हो सकती है, लेकिन अगर वापसी होती है तो जो काम नहीं हो पाए हैं उसके लिए जो समय मिलता है सरकार को उस पर उसको सही साबित होना होगा। हालांकि भारत और उसका लोकतंत्र बहुत सारी संभावनाओं वाला और बहुत सारे चमत्कारों और चौंकाने वाले घटनाओं वाला लोकतंत्र है, तो हम केवल कयास लगा सकते हैं, जो होगा उसका आकलन हम उस घटना के साथ ही करेंगे। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।